आदाब नाज़रीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि लोग उसे पसंद करें और हर लिहाज से हर कोई अपनी ज़हनी सतह मियार ज़ौक के हिसाब से खुद को पेश करता है। अच्छा, तू कर रहा मियां गटिंग? आओ। ये लाइन चार मीनार को जाके मिलना, ये लाइन तालाब कट्टे को जाके मिलना, और बीच की लाइन सीधा चंद्रान गुट्टा। खुद बोरा रहे ने निकाल रहे झाड़ू कट्टा। आंखें अल्लाह की अता करदा सबसे बड़ी नेमत है। आंखें खुशी और गम का इजहार करती हैं, देखने वालों को मुतासिर करती हैं। आंखें शख्सियत की अक्कास भी होती है। जब कोई अदाकार अपने आंखों के जरिए किरदार में जान डालता है तो शायकीन के दिलों में भी बस जाता है। ऐसे ही गोल मटोल आंखों वाले हैदराबादी सितारे के आज के हमारे खास मेहमान शेख साजिद हैं। म्यूजिकली ऐप के जरिए अपने करियर का आगाज शेख साजिद ने अपनी आंखों को मटकाते हुए अपने वीडियोस में शायकीन का दिल जीत लिया है और अपनी जानिब अट्रैक्ट करने में कामयाब भी हुए हैं। इंस्टाग्राम पर अपने अलग अलग कंटेंट की बदौलत शायकीन के दिलों में राज करना शुरू किया। अपनी सलाहियतों के बल पर हैदराबादी फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं शेख साजिद से और जानेंगे इनके कैरियर और जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में और बड़ी खुशी हो रही है शेख साजिद अहमद साहब आज आप हमारे रूबरू बैठे हैं अपनी दिल की बातें बताने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सभी को, मेरी तरफ से बहुत बहुत शेख साजिद की तरफ से तो यहाँ पे आया हूँ भाई। केबी जानी भाई बहुत बार आपका शुक्रिया, तो अब हमको इन्वाइट करें तो मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई। आप बहुत दिन से मतलब माशाल्लाह से फ़ोन करें तो थोड़ा काम में बिजी था मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मौका मिला आपसे मिलने का, तो आज दोबारा तरीके से इंशाल्लाह इंटरव्यू देंगे आप। बिल्कुल, चलिए साजिद साहब जी, शुरुआत हम यूं करेंगे कि आपने म्यूजिकली ऐप के जरिए अपने करियर की शुरुआत की। जी, किस तरह आप इस शौक को आगे बढ़ाने के लिए रील्स बनाना शुरू किया, उस बारे में बताएं। मेरे बचपन से शौक था टीवी में देखना, तो ये करेंगे डांस करना वो करना, तो एक अपने फैमिली में मतलब जो भी करना लगा मैं हंसाने वाला पूरा हूँ, तो बचपन से एक शौक है कुछ ना कुछ करना कुछ ना कुछ करना, तो ऐसे बनाता था वीडियोस बनना करना। एक वीडियो फिक्स बोल के भी आता था, एक उसमें करा मैं मतलब वीडियो डाल दो फिक्स, उसमें ऑटोमेटिक साउंड चलते रहता, कट कट करते रहो, पूरा एक साथ आ जाता था गाना शूट करे वो करो, तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स देखा मैं करा, बहुत मेहनत करा, तो एक जाके एक म्यूजिकली ऐप आया एक उसमें समझो उसमें बनाना शुरू करा मैं, तो एक डेढ़ साल उसमें मेहनत करा मैं, तो हल्लू हल्लू फॉलोअर्स आए थोड़े बहुत वो करे, उसमें एक वीडियो वायरल हुई। अच्छा, तो भतीजियों के साथ बनाया मैं वीडियो, तो 9.2 मिलियन कुछ व्यूज़ आए उसके। अच्छा, 1.5 लाख कुछ लाइक्स आए उसके, वो उसमें फॉलोअर्स नहीं आए, वो वायरल हुई वीडियो। अच्छा, वायरल हुई फॉलोअर्स नहीं आए समझो उसमें। अच्छा। बाद में ऐसी हल्लू हल्लू करते करते रमजान में एक वीडियो बनाया, पेट में दर्द हो रहा अल्लाह रोज़ा लग रहा बोल के, वो एक वीडियो डाला अल्हम्दुलिल्लाह, ये रमजान से वो रमजान तक 4 लाख फॉलोअर्स हो गए मेरे। लोग इतना पसंद करे वीडियो पोस्ट करे 25,000-30,000 लाइक आते थे, लाखों में व्यूज आ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा करते करते एक साल में बहुत कुछ समझो चेंजेस हुआ समझो बहुत। उसके बाद में एक साल के बाद टिकटॉक बंद हो गया बोला, उसके बाद में हल्लू हल्लू फिल्म की जो भी है फिल्म मतलब जाना तबर भाई कहने गुल्लू भाई कहने फिल्म का भी शौक था बहुत ऐसा, तो जाना पूछना भाई कुछ है क्या बोलो कुछ है क्या बोलो, हाँ मैं सुबह में आओ कल आओ, तो जाना बैठना वेट करना कब आता सीन, अरे कल ही में तुम्हारा सीन,
फिर वेट करना, जाके एक छोटा मोटा रोल आता था, वो रोल दिए तो खुश खुश आज अपन आगे आज थिएटर में आने वाले हैं। वो खसूस ना एक सीन में आया तो घर में पूरों को बोलना, अरे मैं फिल्म में आया, मैं फिल्म में, चलो जाके देखेंगे। तो वो एक सीन देखने का सिर्फ थिएटर को जाके दिखता था हमें। तो क्या होता था कभी कभी डायरेक्टर वो कट कर देते थे, अरे तकलीफ हो जाती थी, थोड़े बहुत फिल्म जो करा उसमें थोड़े बहुत रहना थे, यू दिखते ही नहीं हो गायब, अरे ऐसा इतने सीना भी थे, खुश होती थी, अरे अपन दिख गए बाप, अरे हो गए, यूँ देखी यूँ देखे थे, यूँ गायब ही सो जा रहा हूँ मैं। उतने छोटे छोटे सीना ही मिले अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन में मतलब जब छोटे थे जब से शौक था, दोस्त रहते थे साथ में तो अपने को बड़ी शौक थी, कहीं भी गए फ़ोन उठा लेना, नहीं करते, अरे दोस्त ना, अरे ये क्या रे चिल्लर कामा कर रहा, ये क्या तो भी करा रहे, हट तू नको रहे हमारे साथ में, शौक था भाई, कहीं भी गया अपने को आदत थी, नशा बोलते हुए इस चीज़ का, कहीं भी गए उठा लिया, अरे हम ना यहाँ यहाँ ये वीडियो वो वीडियो बनाए। तो आज ऐसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, भाई के दोस्त भी बता करते थे, अरे तेरा भाई क्या कर रहा रे, जा बोला बेइज्जती कर रहा, वीडियोज बना रहा, क्या चिल्लर कामा कर रहा। आज वही दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह, अरे इन्हें मेरा भाई है, अरे मेरा दोस्त है इन्हें, आज ऐसा हो गया, आज एक टॉम पे गालियाँ वगैरह सब सुने, सही पर है। आज जो है सो जबरदस्त है नहीं, ये बात तो है साजिद साहब, जी। जिस तरह आपने बताया कि भाई शुरुआती दौर में आपने काम मांगने की गर्ज से, यानी मूवी में कुछ काम मिल जाए, जी तब आपने बहुत अंथक कोशिश की जी जी और अभी जाके आपको कामयाबी हासिल हो रही है, जी 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 और अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बहुत काफ़ी लेंथी करेक्टर भी आपने जी जी निभाया है और लोग भी उसको पसंद किया है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज़ है साजिद साहब, जिस तरह आप रील्स बनाते हैं, जी इसमें एक फ़ायदा ये हो गया है सोशल मीडिया की वजह से कि आप खुद अपना वीडियो, अपना कंटेंट, अपने रील जी खुद तैयार करते हैं, इससे काफ़ी आपको फ़ायदा भी हासिल हो गया है और किसी के पास काम मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। नहीं, नहीं, जी। आप क्या मानते हैं, क्या एक आर्टिस्ट को इस तरह का सपोर्ट मिल जाए तो बड़े बैनर के लोग खुद ब खुद चल के आते हैं, या फिर उसके लिए अलग कोशिश करनी पड़ती है? नहीं 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 ये बड़ा फिल्म का एक जो बैनर जो है ना अपना, ये अलग मैटर है, वो कितना भी करो बॉलीवुड टॉलीवुड जो है वो अलग सीन हो गए, वो अलग पहचान है। ये रील की जो पहचान है सोशल मीडिया की पहचान, ये अलग पहचान है सोशल मीडिया की। ये फिल्म अगर करना चाह रहे आप, एक्टर बनना है तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता, तो एक उसके कॉम्पिटिटेट ये आ गया रील, अपने खुद मेहनत करो खुद आगे बढ़ो, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अपने को। इसमें अगर लक लग गई तो बहुत कामयाब होते, तो बड़े बड़े डायरेक्टर खुद चल के आते। आजकल देखो आप बहुत सारे ऐसे है एक्टर जो बम्बई में जो है, उन लोगों ने जो वीडियो जो प्रमोट करते तो उन लोग फिल्म प्रमोट करने के आ रहे लोग। अच्छा, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ हो गया है। नहीं, लेकिन एक बात है, एज एन आर्टिस्ट आप क्या समझते हैं, क्या हम सोशल मीडिया पर उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कामयाबी हासिल कर पाते हैं तो फिल्मों में दाखिला बिल्कुल आसान हो जाएगा, या फिर उसके लिए भी उतनी ही दिक्कत या मुश्किलात हैं? नहीं, आसान तो हो जाएगा थोड़ा बहुत, ये तो पहचानते हैं आप, अरे आर्टिस्ट मतलब एक्टिंग करता, अरे अच्छे करता एक्टिंग, तो एक चांस मिलता अपने को वहाँ पे। अगर वो एक चांस अगर पा लिया पर और से अच्छा बेटर करे, कभी अपने आप को बेटर समझ, कभी लाइफ में पर सीखते, कभी सीख पूरी नहीं होती, कभी सीखते रहते अपन कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ये नहीं समझना कि अरे मैं सीख गया आज पाँच वायरल हो गया आज, कभी नहीं सीखते, ज़िंदगी में सीखना पड़ता, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ नया आते रहता। तो अपन ये रील भाई अपन ये अपन बना रहे, जब अपन बॉलीवुड में जाएंगे तो एक से एक लोग मिलेंगे, एक से कैमरामैन, एक से एक आर्टिस्ट, अपने से अच्छे अच्छे भी मिलते अपने को, तो एक अलग रहता है वहाँ का सीन, वो ज़रूरी है। मगर सोशल मीडिया के ज़रिए तो अपनी पहचान बना सकते हैं, बट जो है सो थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है समझो बॉलीवुड में, जो मतलब जो भी टॉलीवुड है, मैं उतना आसान नहीं होता कि उतना लेंथी रोल नहीं मिलता अपने को, छोटे मोटे रोल मिलता समझो ऐसा है। अरे अगर आपको लेंथी रोल निभाना है या फिर लेंथी रोल अगर आपको मिलना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत स्ट्रगल करना पड़ता उसके लिए, इतना आसान नहीं है वो। अच्छा, स्ट्रगल करना पड़ता बहुत, जब स्ट्रगल करेंगे तो जब ही मिलेंगे आपको, वो तो थोड़ी बहुत पहचान मिल जाती है टिकटॉक रील से, बट उसमें जाने के ऐसे स्ट्रगल तो करना पड़ता, छोटे मोटे रोल मिल जाएंगे मगर लेंथी रोल तो मुश्किल नहीं मिलते। नहीं, लेकिन एक बात है साजिद साहब, अभी इन दिनों ऐसा हो रहा है कि अगर आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स ज़्यादा है, उन्हीं लोगों को फिल्म वाले भी मौका दे रहे हैं जी। आप क्या मानते हैं, क्या इस बेसिस पर भी फिल्में
मिल सकती हैं? मिल सकती, बट उतना जो जैसा मिलना चाहिए वैसे नहीं मिलती। वो छोटा जो बोला ना हमें लेन, वही मिल सकती। ज़्यादा मतलब बड़ा काम नहीं मिल सकता। एक मतलब एक वायरल चेहरा है, एक वो है, तो उसको एक लेके काम कर सकते हैं, उसको बोल के रहता है। नहीं, एक चीज़ आप जहन में रखें कि जो इंस्टाग्राम पर रील बनते हैं जी, या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए आप कोई भी चीज़ बना पाते हैं, लेकिन उसमें आपको एक मिनट में ही जो भी बेस्ट देना है देना है जी। उसके बाद अगर इमोशनल सीन है या फिर कॉमेडी सीन है, कोई भी सीन, आप एक मिनट में तो अपना पूरा फन नहीं बता सकते जी। ये बात तो सही है, वो एक मौका मिल गया तो आगे कुछ बढ़ सकते हैं, वो दिखा, जो भी अपने और कलाकार है जो अपने अंदर छुपे हुआ है और बता सकते हैं अपन उसके अंदर। चलिए, अच्छी बात है। खैर, हमारी भी नए ख्वाहिशात आपके साथ है। आपको जी, भी जी, अगर जी, फिल्में मिले जी, तो जी, आप कुछ कर दिखाएंगे। जी जरूर जरूर। चलिए, अच्छी बात, कोशिश करेंगे। बिल्कुल, इंस्टाग्राम भी मजे ले रहा आपने, जैसा मूड है वैसे रील्स बता रहा खाली। आप जो वीडियोस बनाते हैं उसमें आंखों का बड़ा कमाल होता है। जी जी जी। तो मुझे एक गाना जरूर याद आता है सलमान खान का, जी, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तो ये आंख के मुताबिक आपको लड़कियों के क्या कमेंट आते हैं उस बारे में बताएं। लड़कियों के मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं आप, लड़की या बच्चा कोई भी, मतलब पूरे हर कोई माशाल्लाह से तारीफ कर दे के बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं भाई आप, कहाँ से सीखा। और वीडियो जब मैं वीडियो रोक देता हूँ, अरे भाई वीडियो क्यों रोके आप, वीडियो बनाओ, हम ना वेट करते हैं आपका, बोलते हैं वीडियोज़ बनाने का। जो आप आँखा जो सा फिराते हैं जो करते हैं ना, आप हंसने हंसने वाला भी हंस देता आपकी, एक 10-5 मिनट तो हंसे आप जाती नहीं, वो हंसते रहते हम लोग बोलते। अच्छा, बस इतने पे ही रुक जाते हैं? जी हाँ जी हाँ। नहीं, क्यों, चूँकि आप माशाल्लाह से बैचलर है जी, तो अल्लाह के करम से आप कितनी गर्लफ्रेंड्स रखते हैं? क्योंकि ये आंखों की बदौलत कितने लोग आपके हाथ लगे। गर्लफ्रेंड तो नहीं है कुछ भी। नहीं, बिल्कुल, देखिए भाई, आपकी एक्टिंग से मुतासिर कोई तो लड़की हुई होगी। जी जी, ये आप बताना नहीं चाहते हैं? नहीं, साजिद हंस रहे हैं, क्या बात है। अरे नहीं, कुछ नहीं है, शर्मा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो है दोस्त वगैरह है, समझो दोस्त तक आए हैं। बस बस, दोस्त तक आए, गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है। अच्छा, मतलब अरे दोस्त तो हैं आपके, बचपन से तो दोस्तान थे आपके साथ जी, लेकिन ये रील्स बनने के बाद जी, कुछ लड़कियां भी दोस्त हुए हैं। जी हाँ जी, रील बना, पहले नहीं था उतना मसला दोस्तों में था, समझो, पर मतलब किसी बच्ची से बात करना वो तो मुश्किल होते, दोस्तों के बारे में जरा नंबर दे रहे भाई, कोई है तो बच्ची नंबर दे, मतलब पहले कैसा रहता था, डरते थे, नंबर ले लिया अब वो फोन का डर होता था, अब फोन नहीं उठाया था, भाव उठाता कि उसका भाई उठाता, कौन उठाते, फोन ही नहीं करता था, नंबर लेके खाली फोन में रहता था वो। आज ऐसा है अलहमदिल्ला, आज रील बना रही वीडियो में तो बहुत सारे मैसेज आते, वो आते मैसेज कॉल, अब चालू हो तो मैं सोचते, एक दौर वैसा था कि एक टाइम पे बात करने हम तरसते थे, आज लगा अल्हम्दुलिल्लाह बात करते अपने से। तो ये सब पॉपुलैरिटी क्या नतीजा? पॉपुलैरिटी क्या नतीजा, पहले कुछ भी नहीं था, जैसे अपन पॉपुलैरिटी लाए, समझो वीडियोस बनाना शुरू करे, खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक सब आना चालू हो गए। इससे अंदाजा ये हुआ साजिद साहब के इंस्टाग्राम एक आम आदमी की पहचान बना रहा है, इसे किस हद तक आप दुरुस्त समझते हैं? ये एक समझो एक नशा है, ये करना एक ज़रूर है, मतलब एक है भाई काम के काम, एक अलग चीज़ काम करना ज़रूरी है, मगर ये चीज़ों में इसको आदत नहीं बनाना, आदत बनाया तो एक क्या बोलते हैं टाइम पास, रील्स हो या यूट्यूब हो, काम पे फोकस करें, पहले घर में हीरो बनना, बाद में बाहर हीरो बनना। बाहर तो अपन फेमस हो जाते, अरे बाद एक वीडियो वायरल होंगी, थोड़ी देर चलेगी दूसरी होंगी, बट लोग कोई लाके पैसे नहीं देते आपको, और ऐसा रहता है बात जगह, अगर वायरल भी हो गए तो दूसरा काम कुछ कर नहीं सकते अपन, करना तो है बिजनेस करना, बिजनेस के बाद अच्छे खासे पैसे रहना अपने पास, पैसे नहीं रहते तो कोई काम नहीं कर सकते, कहीं भी काम करने के, अरे भाई वीडियो बना दे, नहीं तो एक अलग ही रहता, अरे मैं जो काम करूँ, अरे ये काम करें, मैं वायरल हूँ, वो नहीं कर सकते अपन काम, कहीं भी मुश्किल हो जाता बहुत काम करना। तो जब अपने पास पैसा है, जब अपने पास वो है, तो बिजनेस करो आप, या ना तो वायरल भी हुए तो एक ऐसी जगह काम करो कि अपन काम कर सके, समझे, शर्मिंदगी नहीं लाना अपन वो चीज़ में। तो इसका मतलब ये हुआ साजिद साहब, जो लोग इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान बना चुके हैं उनको छोटे मोटे काम करने से
थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी और लोग क्या कहेंगे, यही सवाल उठता है, यही सवाल उठता है। और फिर बाद में आता है सर्वाइविंग का मसला जी। वो लोग क्योंकि घर गृहस्थी भी होती है, फैमिली, बच्चे, सारी चीजें हैं ना, तो ये सिर्फ शौकिया तौर पर रखें तो ही बेहतर होगा। बहुत बेहतर है, ये शौक है मगर काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। काम है तो सब कुछ है, काम करो। एक समझो एक हफ्ता है तो छुट्टी मिली आपको, तो जब करो आप ये शौक, जब आप करो, मगर एक काम छोड़ के ये नहीं करना कभी भी, गलती कभी भी ये नहीं करना। अगर इसमें गए तो इसमें भी गए, यहाँ पे भी गए, यहाँ पे भी गए, अपन यहाँ अगर बहुत स्ट्रगल करे तो जब वायरल हो गए तो बहुत अच्छी किस्मत, सब कुछ हो सकता है, मगर पैसा नहीं आता यहाँ पे, खाली नाम मिलता भाई, सलामकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम, मगर पैसा नहीं आता। अरे भाई आप वीडियो बनाते नहीं, अरे भाई आपको वीडियो में देखा था, मगर कोई लाके को 10 रुपये नहीं देता ना, कोई पैसे देता। मगर काम करे तो एक काम करते हुए करे ना, तो एक ये भी लेवल रहता है, ये भी लेवल रहता है, घर में भी इज्जत रहती, बाहर भी इज्जत रहती। अगर ये नहीं कहते तो घर में इज्जत नहीं, घर में तरकारी ला जा, वो ला जा, जहाँ दूध की बैठे मेहमान आए, बाहर जाते कि वही साल ले, वही साल ले, खाली सलामत हो, घर में एक पैसे की इज्जत नहीं रहती, बाहर बदल हुआ सलामत हो लेते जाते। देखिए नाजरीन, साजिद साहब जो फरमा रहे हैं, इससे अंदाज़ा हो गया कि भाई सिर्फ रील बनाने से आपकी भूख प्यास खत्म नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उसके लिए आपको खुद यानी या तो बिजनेस करना पड़ेगा या फिर जॉब करना पड़ेगा। जरूर जरूर, बिल्कुल, यानी ये साइड में ही रखे, शौकिया तौर पर ही रील्स बनाने का सिलसिला रखें तो बेहतर होगा, बेहतर रहता। नहीं लेकिन एक बात है साजिद साहब, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से रील्स या फिर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो नए लोग परेशान हो जाएंगे, अरे भाई साजिद साहब ये क्या कह रहे हैं, तो ये तो कड़वा सच है, आपने बता दिया है, है ना। ये तो मेरी जिंदगी में भी ऐसा स्ट्रगल आए हुए, मेरे पर गुजरी सो चीज़ है ये, ऐसा नहीं कि मैं बोल जा रहा हूँ। आप काफ़ी पॉपुलर तो हुए हैं लेकिन उसके पीछे कितनी मुश्किलात हुई हैं, क्या क्या चीज़ों झेलना पड़ा आपको? बहुत कुछ बहुत कुछ। आखिरी घर वालों से भी बहुत बात सुने, अरे ये क्या करता, कोई सपोर्ट नहीं करते थे पहले पहले, अरे ये क्या करा, काम पे ध्यान दो, ये क्या कर रहे, वो क्या कर रहे, काम पे नहीं जाते थे पहले, ये करते थे, घर वालों के बात, भाइयों के बात, बाहर वालों के बात, सबके बात सुनते थे पहले, हर कोई जनादार ये क्या कर रहा, अरे ये क्या कर रहा, काम छोड़ के टाइम पास कर रहा, तो बहुत बहुत मुश्किल हुई सुनते आने के वास्ते यहाँ पे। फिर फिल्मों में जाना तो जेब में पैसे नहीं रहते थे, दो दोस्त के लिए 50 रुपये लिए, उसके लिए 50 लिए, पेट्रोल डाल दिए, गए वहाँ पे दिन दिन भर बैठना, दो दो दिन बैठना, वो जब जाके सीन आता था, वो आया तो भी इतना सीन रहता था खाली, उसमें बहुत खुश आखिरी, अरे अरे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे आखिरी, पैसे नहीं रहते थे जेब में। फिर एक फिल्म आई अजब तमाशा बोल के, उसमें भी करे 3 महीने काम नहीं करा मैं, उसके पीछे खुशी से, अरे मेरे को आज बड़ी फिल्म मेरी थिएटर मूवी पहली बार चांस मिला, वो भी 70 mm के पर्दे पे, लोग तरसते बचपन से, कोई भी हो थिएटर पे आने का से तरसते भाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो चांस मिला, वो कह रहे 3 महीने काम नहीं करा उसके पीछे में, 3 महीने चली शूटिंग से हम लोग, तो बहुत उसमें भी बहुत स्ट्रगल हुए, काम पे ले गए, काम नहीं मिला कहीं, अरे वहाँ भाई काम पे गया तो मेरी शूटिंग छूट जाती, अरे मैं वहाँ गया तो फोन आ गया तो कैसे करना, सेट नहीं छोड़ता कुछ भी, काम पे गया तो नहीं, बहुत मुश्किल होती थी। तो आपका जो ख्वाब था वो तो खैर पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन साथ साथ जो सर्वाइविंग का मसला है जी, या फिर जो माशी एतबार से आदमी को जो चीज चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, है ना, जी, जी, ये बुनियादी चीजें होती है ना, तो बहरहाल आर्टिस्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है, है ना, बहुत सारी, अगर आप पॉपुलैरिटी को देखें तो फिर सर्वाइविंग का मसला है। तो बहरहाल थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। तो नाजरीन, इस दिलचस्प गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरी प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। YouTube पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया का जाना पहचाना चेहरा, जिसे आप और हम शेख साजिद अहमद
साहब के नाम से जानते हैं। साजिद साहब, आपने ब्रेक से पहले तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जी। नौजवानों के लिए मैसेज देने की आपने कोशिश की है जी। तो अभी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये जो फिल्म का ऑफर किस तरह आपको हुआ और फिर आपने इस रोल को करने के लिए हामी भर ली, उस बारे में बताएं। दोस्त एक अहमद बोल गए, तो मेरा नंबर उन्होंने पहले से कहीं मेरी वीडियोस देखते थे, नईम साहब, नईम डायरेक्टर साहब है जी। तो उन्होंने देख के रखे थे वीडियो, अरे बच्चा बहुत अच्छी एक्टिंग करता, जब मैं कभी भी मूवी बनाऊंगा तो इसको लूंगा बोल के। तो नंबर नहीं मिला था कहीं भी, तो मैं दोस्त को फ़ोन करा, अहमद को फ़ोन करके मेरे से नंबर, उनके से मेरा नंबर लिया, फिर फ़ोन करा मेरे को, हेलो सलाम वालेकुम साजिद, कैसे आप जी, कौन बात कर रहे हैं, मैं नईम डायरेक्टर हूँ। अच्छा, मैं नहीं पहचानता ना मतलब जब जी जी, नहीं नहीं मैं डायरेक्टर हूँ, एक मूवी आने वाली आ जाता हूँ, अच्छा आप उसमें काम करते नहीं करते, और खुशी का ठिकाना नहीं, जी जी ज़रूर ज़रूर, आप जैसा बोले ऐसा, वही बड़ा रोल है मियाँ, मतलब मुंबई के और दिल्ली के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, तो आपको काम करना है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते ना जी, ज़रूर ज़रूर, आप जितना हो सके मैं बड़ा बेस्ट बेस्ट देने की कोशिश कर दूँगा, ठीक है रख दिए। फिर फोन आया, साजिद आप करते नहीं करते, कहीं वो तो बड़ा सीन है और बड़ा पूरी फिल्म में आपका सीन है, करते नहीं करते, जी जी ज़रूर कर दूँ साहब, आप ज़रूर, आप जैसा बोले वैसा कर दूँ मैं, इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर दूँ। थोड़े दिन के समझो फिर फ़ोन आया, शूटिंग स्टार्ट है, आना है बोल के बोले, ठीक है भाई। तो वहाँ से शूटिंग चालू हुई, फिर दो तीन दिन होती थी, फिर एक आठ दिन ढीले ब्रेक होता था, फिर दो तीन दिन होता, ऐसी करते करते समझो तीन महीने में कम्प्लीट हुई समझो। हुस्न के चर्चे सारे बाजार में जाम है, वाह वाह वाह, जाम नहीं आम है। शूटिंग के दौरान बहुत इंजॉयमेंट हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला, एक नयापन हमारे तबर में भी है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला समझो, माशाल्लाह से, कैसा नहीं कैसा, कैसा नहीं कैसा, मतलब थोड़े बहुत जो कमियाँ रहते अपने पास जो रील पे अपन बनाते करते, तो वो एक सीखने को मिला समझो, अरे नहीं मियाँ ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ये गलत ये नहीं ये सही करो, तो बहुत कुछ सीखने को मिला समझो ऐसा। नहीं लेकिन साजिद साहब, आप तो खैर रेगुलर रील्स वगैरह बनाते रहते हैं जी जी जी, फिल्म मेकिंग में और रील जो बनाए रहते हैं आप सोशल मीडिया पर, आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत डिफरेंट है इसमें और इससे, बहुत डिफरेंट है इसमें, लाइटिंग्स कैमरा बहुत चीज़ें हैं, इसमें क्या है डायरेक्ट उठाओ फिल्टर लगाओ ख़त्म शुरू हो जाओ, उसमें ऐसा नहीं है, कैमरामैन सेट होता है, लाइटिंग सेट होती है, आपको मेकअप होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सीधा उठाओ फिल्टर लगाओ चालू हो जाओ, उसमें डायलॉग याद करना पड़ता है, आपको स्क्रिप्ट याद करना पड़ता, फिर हमारे डायरेक्टर साहब समझाते सीन, समझाते ऐसा नहीं ऐसा करना, ये सीन ऐसा नहीं ऐसा करना, वो समझ में आता है क्योंकि अलग है समझो उसमें। लेकिन एक बात है कि जब आप फिल्म कर रहे थे तो आपको अपने कैरेक्टर से आप कितने मुतमईन थे? पहले तो कैरेक्टर क्या है मतलब खाली एक जानी जॉन जॉनी जनरल बोल गया था, क्या एक्टर है मतलब बोले नहीं थे मेरे को, तो क्या है तो नवाब रहती है उसमें, तो तीन दोस्त हैं उसमें, तो आपका जॉन जॉनी जनार्दन है, तो आप उसमें दोस्त है समझो, तो ठीक है बोले, तो शुरुआत में ज़रा समझ में नहीं आया समझो, शूटिंग में जैसे जैसा करते गए वैसा वैसा अपने को रोल समझ में आया, जब उसमें फिट हो गया अपन समझो उसमें, जब उन्होंने डायलॉग सुना है वो करे, तो डायलॉग उसमें थोड़ा नया नया था, तो प्रॉब्लम्स हुए समझो, थोड़े बहुत डायलॉग भूल जाते थे, फिर उन्होंने पीछे से भी कट होता था, फिर एक्शन होता था, करते करते आदत होगी और फिट ज़रा अच्छा दिखा समझो अपने कैरेक्टर को लेकर। फिर भी एक बार फोटो देख लो ना भाई आप। एक चीज़ है, जब आप इतने सारे वीडियोस बनाए हैं तो मेरा एक सवाल ये है कि मुख्तसर यानी शॉर्ट वीडियोस में ख़ुद को ढालना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, पहले पहले तब कैसे की एक्टिंग करते थे नहीं आता था पहले शुरुआत में, तो पहले कैमरा शट होता था बाद में लिपसिंग होते थे वो एक डायलॉग आगे चल जाता था वो डायलॉग के पीछे बोलते थे हम कि दोस्त साहब पीछे रहते तो वैसे नाचना गाना करना हल्लू 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 से समझ आई, अरे ऐसा नहीं 1 2 3 डालो फिर हमने ये डायलॉग बोलो, ऐसा ऐसा करते करते एक्टिंग तो कर रहे हैं मगर वो जो फेस एक्सप्रेशन जो आना वो नहीं आ रहा, एक्टिंग खाली कर ले रहे समझो डायलॉग बोल रहे ऐसे ऐसे, उसको हल्लू हल्लू फिर हमने समझ में आया कि वो एक्टिंग में अपने को डूबना पड़ता, वो चीज़ कैरेक्टर से अपने फेस पर लाना, वो फील करना पड़ता, जब तक फील नहीं करे जब तक कुछ भी काम नहीं होता, या शूटिंग रहो या वीडियो रहो, एक फील करना पड़ता अंदर से मेरे साथ ये हो रहा ये करना है ये ऐसी, तो जब जाके अपने अंदर की फीलिंग आती जब ये अपन कर सकते आगे वाले को समझ में आता एक्सप्रेशन। एक बात है साजिद साहब, आपके जो फेस एक्सप्रेशन है जी, ये आप किस एक्टर से मुतासर होकर इस तरह के एक्सप्रेशन देते हैं? गुल्लू दादा। अच्छा गुल्लू दादा जी जी, वहाँ से सीखा था हमें, तो अच्छा। एक वीडियो थी, एक डायलॉग था वो, तो वो डायलॉग पे बनाया था हमें,
तो वहाँ से हल्लू हल्लू उनके वीडियो देखना शुरू करा, तो एक्सप्रेशन वगैरह देख के अच्छी करे, तो अपन भी कोशिश करते हल्लू हल्लू करते करते अपने को भी पूरा जम गया हो, तो घर के नहीं गुल्लू दादा के नाम से पुकारते पूरे। अच्छा। अरे गुल्लू दादा बोले पुकारते पूरे यहाँ पे, और बॉडी लैंग्वेज से तबर, अरे एक बार भी तबर कहाँ भाई जा रहा तबर में भी आओ मेरा छोटा भाई बोल के नहीं बोलते माशाल्लाह। जाएगी तो मेरी ना, क्या इज्जत फटी पड़ी मेरी है। क्या फटी? एक चीज है, जब आपने जिक्र किया गुल्लू दादा का या तबर का और फिर आपकी आंखों के एक्सप्रेशन, तो लड़कियां अपनी आंखों से नैन मटकाते हैं जी, आपकी आंखें भी मुतासिर करती हैं, आप क्या मानते हैं? है अब आंखों में जादू, मतलब बोलते भोजन है भाई, माशाल्लाह आपकी आंखें अच्छे, एक्सप्रेशन अच्छे है। इंस्टाग्राम भी मजे ले रहा आपने, जैसा मूड है वैसे रील्स बता रहा खाली। अलग की आपके चेहरे पे मुस्कुराहट जो है बहुत अलग ही है आपकी, देखो तो दिल खुश हो आता बोलते बहुत जने माशाल्लाह, आपकी स्माइल, आपकी हंसी, आपकी आंखें बहुत अच्छे बोलते। कितनी लड़कियां बोली आपको? बहुत सारी अभी सोशल मीडिया है, नहीं ज्यादा नहीं मिलता, बहुत कम, कोई संबंध में आया तो सलाम वालेकुम सलाम। तो जो लड़कियां आपको समझ में आती हैं उन्हीं से आप सलाम कलाम जारी रखते हैं? बस सलाम दो, ज्यादा कुछ भी नहीं, मिले खलास चाय वगैरह कॉफी वगैरह पिलाए खलास, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अरे और क्या खलास बोल रहा है भाई, बस उतना ही हो गया। अच्छा आए तो भी टी टाइम मनोरंजन बस। नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको कमेंट्स देती होंगी ना? वही मतलब तो माशाल्लाह एक्टिंग अच्छी करते हैं आप, आपकी पर्सनालिटी अच्छी बोलते, मतलब मेरी को उसी पर्सनालिटी थी, पेट पूरा बाहर निकला है बोलते, नहीं नहीं माशाल्लाह बहुत क्यूट है आप, वो क्या बोलते हैं डोरेमोन के सर के दिखते। अरे क्या बात है, क्या कमेंट है आपको डोरेमोन? कोई डोरेमोन बोलता है, कोई टेडी बियर बोलता है। अरे अरे क्या बात है, ऐसे ऐसे ना है बोरे। तो इसका मतलब ये हुआ साजिद साहब अभी तक डोरेमोन है। जी हाँ जी हाँ इंशाल्लाह। अच्छा साजिद साहब आप इतने सारे रील्स बना चुके हैं, तो कोई ऐसा डायलॉग या फिर आपने जो कंटेंट ऑडियंस के लिए या फिर आपके फॉलोअर्स के लिए पेश किया जो यादगार साबित हुआ, उस बारे में बताएं। डायलॉग तो ज़्यादा तबर भाई का स्मार्टफोन था मैं डायलॉग। अच्छा। अकबर बिन तबर साहब का ज़्यादा, अकबर बिन तबर खुद डाले अच्छा जो खबर, 6 जख्मी 5 मर्डर फिर भी यार खां इधर, अकबर बिन सोटे जामा जी खरोचे, अकबर ऐसा डायलॉग है लंबा, बहुत लंबा मार सकती थी तबर भाई हो। अच्छा तबर भाई है तो तबर भाई का तो भाई उनका खुद का क्रिएट करता है ये डायलॉग जबरदस्त, लेकिन आप उसको कॉपी करते थे? जी हाँ जी हाँ कॉपी करता था, यानी लोगों को मुतासिर करने। जी हाँ जी हाँ जी तो आप भी पूरा लेंथी डायलॉग पेश किया? नहीं उसमें तो थोड़ा आधा करा, तीन के सर का तो नहीं बोल सकते, जो भी आधा बोल सकते आधा डायलॉग बोला था संजय से, तो बहुत वायरल हुआ था। अच्छा तो कभी आपने तबर के सामने ये डायलॉग सुनाया? जी जी बोले बोले। हाँ जी और भी खुश है आधा बोलती, अरे मैं पूरा तो कर रुक मैं करता हूँ पूरा बोल के दोनों मिलकर आपने जुगलबंदी की डायलॉग। जी हाँ जी हाँ। अरे वाह बहुत जबरदस्त, तो इससे अंदाजा ये हुआ कि आप हर आर्टिस्ट से जुड़े हुए हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पहचान दे अल्हम्दुलिल्लाह, शहबाज खान गुल्लू दादा अकबर बिन तबर जानी भाई हमारे पूरे अल्हम्दुलिल्लाह पहचानते प्यार मोहब्बत के अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। जी अच्छा एक आर्टिस्ट के लिए चाहे वो सोशल मीडिया का हो या फिल्म, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए? बहुत स्ट्रगल करना पड़ता, आसान नहीं होता, शुरुआत में बहुत मुश्किल रहती है, बहुत स्ट्रगल रहता, उसको कैसा कैसा काम करना पड़ता समझ में नहीं आता। जब मैं YouTube पे बनेंगे चरण बोलता था तो कारखाना था एक, तो कैमरा भाई भेजे थे बाहर से, तो वो कैनन के कैमरा, कैनन का गुस्सा कैमरा, तो मैं जब शूट करता हूँ अरे कारखाने में नहीं करना है मैं जो भी है बाहर करो बोलते थे। अच्छा तो बाहर करता था आधी फट्टी चड्डी डाल लेके, अब जुनून अलग था, वो बाजू कचरा गुंडी रहती थी वहाँ की, मतलब अब क्या करेंगे, दूसरा कारखाना कोई भी नहीं रहते, अब उन्हें दे रहा चरण भी जो भी मिल रहा बाहर कर लेंगे बोल के, कैसे कैसे बाहर करते थे, बहुत मुश्किल थी। आप अपनी पहचान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत मुश्किल करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं लेकिन एक बात है साजिद साहब, आप भी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं और बहुत सारे लोग
अपने नाम की पहचान के लिए या फिर अपना काम बताने के लिए सोशल मीडिया पर ये काफ़ी एक्टिव दिखा रहे हैं दे रहे हैं जी। लेकिन इंस्टाग्राम से हमें कोई पैसा तो नहीं आता? नहीं आता। या फिर आपको सिर्फ फॉलोअर्स ही मिलते हैं? बस बस उतना ही। अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर नए आर्टिस्ट किस तरह आएंगे और किस तरह रील्स बनाएंगे? आजकल कैसा होगा बोले तो हर कोई वायरल होना चाह रहा, हर एक गली में एक हीरो है, उन्हें बोलता मैं हीरो, मैं अच्छे एक्टिंग कर दूँ, मैं अच्छे एक्टिंग कर दूँ बोलता। पूरे एरिया वालों को बोल दे रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरे दोस्त का रिश्ता हो रहा, कल बच्ची वाले के आए देखने आ रहे इसको, अगर कोई भी कुछ भी बोलेगा बच्चा सिगड़ा पीता, बच्चों को छेड़ता, सबूतों में बैठता बोल के देख रहे पट्टे को मार मार के वैगन में मिला जाता तो अपने को नहीं बोलता क्या? आजा भाई कुमार को भी बोल दे रहा हूँ, कुमार को बड़ी खुजली है लोगों के बारे में बोलने की। हाँ भाई पगड़ है कल मेरे यार जी जी हो। तो हर एक का क्रेज अलग होगा, तो ना मेहनत कर रहे हैं मैं उसका फल नहीं मिल रहा। पहले अपने आप में एक्टिंग मतलब पहले कर सकते बोल रहे वो करो, क्या हो रहा जो उठे मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं कर नहीं पा रहे लोग जो आर्टिस्ट कर भी रहे हैं और नाम भी हो रहा है, लेकिन बाद में पता चल रहा है सर्वाइविंग का जी, मतलब इनका गुजर बसर कैसे हो, है ना जी। क्योंकि देखिए जितने रील्स आप बनाते हैं एक तरह की ड्रेसिंग भी नहीं, नहीं। सारी चीजें एक तरह का लोकेशन भी नहीं जी, सारी चीजें होती हैं जी, इसमें काफी डिफिकल्टी पेश आती है जी। फिर आखिर में आता है सर्वाइविंग का मसला जी। तो इंस्टाग्राम पर जो भी हिट होता है उसको खातर खा पैसे तो नहीं मिलते? नहीं नहीं मिलते, नहीं मिलते। उसको काम करना बहुत जरूरी है, काम के साथ आप रील बनाओ, काम है तो सब कुछ है, काम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या पैसा उड़ा विरोज इसीलिए आप कहते हैं कि शौकिया तौर पर आइए रील्स बनाइए, है ना? बाकी तो आपको जॉब करना पड़ेगा या फिर बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस या जॉब तो 100% करना पड़ेगा। सही बात है। चलिए अगर ऐसे में ये सूरत हाल रही तो जो जो लोग जुड़ रहे हैं जी सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब पे, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा हमें ज़रूर बताएं। जो भी जुड़ रहे हैं पहले काम पे फोकस करो, काम है तो सब कुछ है, काम पे अगर फोकस करें, काम करते हुए करो आप, कोई मसला नहीं है, वायरल हो आप, स्टार बन जाओ आप, कोई फर्क पड़ता अपने को, पहले काम पे फोकस। जो भी नए जने हैं पहले काम पे फोकस करो प्लीज़, बाद में आप सोशल मीडिया पे आप यूट्यूब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इसमें गए तो ज़िंदगी पूरी डाउन हो जाती है आपकी, अरे अल्लाह पूरा बेकार है इसमें। ये ऐसा है एक एडिट नशा है कि एक जब ऐसा मिलते जाएंगे तो एक जुनून एक चढ़ते आता ऑटोमेटिक, और करना है और करना है और करना है, मगर जो पीछे जो ज़िंदगी जा रही वो पूरी डाउन होती जा रही, खाली फ़ोन की ज़िंदगी, खाली फ़ोन एक बार पकड़ लिया तो ज़िंदगी अपनी इसमें चल जाती, इनमें से उठेगी अरे आज कितने फॉलोअर्स है, अरे कितने लगाए, सोते की वही रहता, उठते की जागते की वही रहता, दिमाग में एक बैठ जाता एक जहन में, मगर काम क्या करना है सब भूल जाते हैं। ये ज़रूरी होता अपने बहन में पहले ये बिठाओ काम ज़रूरी है, बाद में ये करो आप, ये करते हुए करें तो कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने जी, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जी। फ्यूचर प्लान क्या है आपके उस बारे में बताएं, आने वाले वक्तों में आप क्या फिल्म्स करेंगे या फिर सोशल मीडिया से ही जुड़े रहेंगे? नहीं सोशल मीडिया से बस एक समझो टाइम पास, एक उससे नहीं मगर काम जरूरी, मैं कभी फ़िलहाल और बिजनेस बढ़ना चाहूँगा मैं, और मेरी गाड़ियाँ हैं लगे हुए कंपनी में और आगे बढ़ाने की कोशिश, बिजनेस अब समझ तो बिजनेस ही करना है मेरे को, ये सुबह एक टाइम पास के खातिर आऊँगा, एक संडे के दिन जैसा टाइम मिलेगा तो वैसे वीडियोज़ बनाऊँगा, पब्लिक को जितना हो सके उतना एंटरटेन करूँगा बस, मगर जैसे तब उसको ज़रूरी नहीं समझूँगा मैं, जब टाइम मिले आप शौकिया तौर पर बस इस फन को बस रखेंगे जी जी, मगर काम छोड़ के मैं नहीं कर सकता। चलो अच्छी बात है जी, बहरहाल आप आए और इतना वक्त दिया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की साजिद साहब जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बुलाए हम आपको के वी जाने साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया, बहुत मज़ा आया बात करके, कुछ नया सीखने को मिला यहाँ पर भी माशाल्लाह से, बहुत अच्छा दिखा आपने। थैंक यू।
तो नाजरीन आज के लिए इतना ही, ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट के भी जारी को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। Dad,